अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, पूरे शरीर बल, मन बल, बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए और इस संक्रमण से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए सबसे अच्छा है पांच प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम। तो आइए हम संक्षेप में उन प्राणायामों को बताते हैं। इसको धीमी गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं और तीव्र गति से भी किया जा सकता है। तो जो रोगी हो, जो पहले अभी करें, तो धीमे धीमे कर सकते हैं, लंबा सांस अंदर भरते हुए। हजार दो हजार ml ऑक्सीजन लेंगे या छोड़ेंगे और इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। एक से दो मिनट करने से पूरा एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम से एनर्जी लेवल को अर्जित करते हैं, एनर्जी लेवल अपना बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। फिर कपालभाति के माध्यम से उसको रोगों को विसर्जित करते हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा को संचार को फैलाते हैं और पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ना, केवल छोड़ेंगे, लेने का प्रयास नहीं करेंगे। एक सेकंड में एक बार धीमी गति, मध्यम गति और इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जब अभ्यास हो जाएगा, जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप इसको तीव्र गति से भी एक मिनट में 100, 150, 200 स्ट्रोक लगा सकते हैं। और भी तीव्र गति से इसको किया जा सकता है। इससे पता चलेगा कि आपकी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इम्यूनिटी कितनी आपकी अच्छी है। और तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से भी इसको किया जा सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। पहले एक आकृति बनाते हैं, ऐसे तो ये मुद्रा धारण करते हैं, ये ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। इसको यहाँ ऐसे दबा लेंगे तो ये वायु मुद्रा हो जाती है, या वायु मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में आप अपने को व्यवस्थित करके, या वायु मुद्रा में ऐसे दाहिने नाचिका को दबाते हैं अंगूठे से और बाएं से लेते हैं,
बाएं से लेकर के पूरा भरा फेफड़े में, डायफ्राम में अपने, फिर बाई नासिका को दबा करके दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से ही लेते हैं, फिर बाएं से छोड़ते हैं, फिर बाएं से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, फिर बाएं से लेकर के दाहिने से छोड़ते हैं। इसी क्रिया को लंबा करेंगे 100, 200, 500 बार या कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 मिनट लगातार करेंगे। फिर अभ्यास हो जाए तो 10 मिनट भी लगातार कर सकते हैं, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। आइए हम थोड़ा मध्यम गति, अब फिर इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये केवल आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी कितनी सबल है। और फिर एक और परिणाम, भ्रामरी भी बहुत जरूरी है गले से संबंधित रोगों के लिए और ध्यान के लिए। ऐसे दोनों कान को बंद करेंगे, फिर 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, लंबा गहरा सांस अंदर करके इस अभ्यास को 2, 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। फिर ध्यान भी जरूरी है, एक 8वां परिणाम होता है ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक ऐसे ध्यान लगा कर सकते हैं, अंतर्मुखी होंगे सांसों पर ध्यान लगाते हुए, अपने पूरे शरीर को शिथिल करते हुए। फिर अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नापने के लिए एक परिणाम आप कर सकते हैं, सांस को अपने होल्ड कर सकते हैं 1 मिनट 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट तक आप अपने सांसों को होल्ड करेंगे तो पता चलेगा आपको
आप कितना इम्यूनिटी, आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, आपकी कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे भरा और ऐसे होल्ड किया। फिर दाया नाशिका दबा के बाएं से ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और इस कोरोना से लड़ने के लिए सबसे अच्छा ये उपाय है, आप रोज प्राणायाम करें, ध्यान करें, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है अपने बचने के लिए। अपने घर में रहें, घर में रहते रह करके योग प्राणायाम करें और एक्सरसाइज करें। फिर अगला हम वीडियो डालेंगे एक्सरसाइज का, सूर्य नमस्कार का और एक्सरसाइज का, यही हम समाप्त करते हैं। फिर अगला एपिसोड अगले अंक में बुझ है। पहला प्राणायाम, प्राणायाम मुद्रा में हमने दो ऑप्शन श्वास अंदर करते हैं, दूसरा पूर्ण श्वास के पीछे दोनों हाथ पीछे और सांस बाहर छूटते हुए आगे झुक जाएंगे। पाद हस्तासन योगा विल बी होगा डिजीज विल बी एंटर, इसलिए योग को दक्षिण अश्व संचाल आसन तीसरा है, चौथा है दक्षिण अश्व संचाल आसन भी कराएंगे, शीतकारी भी कराएंगे, पांचवा जिनको बहुत कम कोल्ड होगा भेदी भी कराएंगे, फिर नारी शुद्धि करा के आपको और ऊर्जा प्रदान करेंगे, सारे प्राणायाम साष्टांग प्राणायामों में से आप पांच सात प्राणायाम कर लें उतना जमीन पे छाती सूर्य नमस्कार जमीन से थोड़ा सांसद भी बताएंगे, जितना आप कर पाए उतना कर लेना, कोरोना की जल्द आत्मा जल्द आप जीतेंगे। आत्मा हमारे पर्वतासन उपनिषदों को घोष है, न तो स्वरूप उसको कोई रोक नहीं टिकेगा, कोई रोक हो गई न तो स्वरूप जरा उसको जाएगा मृत्यु अस्त संचाल आसन जिंदगी और मौत की जंग है कोरोना, न तो सिरोपो न पाद हस्तासन हस्तासन जो योग के आगे में से हमको तपाएगा। फिर बारहवां प्राणायाम मुद्रा अपने जीवन को संवार, ये बारह आत्मा और परमात्मा के द्वार जाते हैं। सूर्य नमस्कार का पोज है पूरे फिजिकल फिटनेस के लिए, नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को, बच्चों के लिए आप बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, बच्चे करेंगे तो पूरा उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा। तो आइए इसको भी धीमी गति से भी कर सकते हैं, तीव्र गति से भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं पूरे एक्सरसाइज के लिए। आइए फिर ये
मध्यम गति तीव्र गति से भी कर सकते हैं फास्ट। ऐसे 10 से लेकर के 50 बार तक 100 बार तक ऐसे करेंगे तो पूरा पूरा इसका फिटनेस हो जाएगा। फिर इसके बाद और भी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। तो पूरी फिजिकल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर है सबके लिए। तो इसी के साथ ये सूर्य नमस्कार का कोर्स समाप्त होता है। ओम नमस्कार। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण लंबा गहरा सांस अंदर भर देंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मूर्च्छयमामृताम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमिगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी अशांति राप शांति औषधय शांति वनस्पति अशांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति 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 सामाम शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। फिर समूह को एकत्रित करने के लिए ओम संगच्छध्वं संबदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानानां उपासते। ओम विश्वानि देवि सवितानि दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण
प्रतिदिन करने से शारीरिक मानसिक शुद्धि होती है। हमको सबको करना चाहिए।